हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल एग्ज़ाम कॉलिंग में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम ये एक सीरीज़ लेके आए हैं यूजीसी नेट जेआरएफ की। इसमें हम आज का पेपर फिलॉसफी का शेयर कर रहे हैं, जो कि 25 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। 2020 का ये पेपर है, तो इसमें ये ऑनलाइन मोड पे था। इसके जो आंसर्स हैं वो ऑफिशियल आंसर की से बताए जा रहे हैं, फाइनल ऑफिशियल आंसर की से। फ्रेंड्स, इनकी इसकी और फर्स्ट पार्ट बना हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसे चेक ज़रूर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे बात बता दूं कि मैं इंग्लिश के क्वेश्चन पे भी एक सेकेंड के लिए अपना वीडियो रोकती हूँ, जिससे कि आप उसको पढ़ सकें। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, ये उनके लिए किया जा रहा है। हिंदी मीडियम के लिए मैं हिंदी में क्वेश्चंस को रीड करती हूँ और उसका आंसर भी बताती हूँ। सूची एक और सूची दो, सिद्धांत, एक में सिद्धांत दिया गया, दूसरे में दार्शनिक दिए गए हैं। एपिस्टीम तथा डॉक्सा, बी संभव एवं वास्तविक, जी सी व्यवहारिक तथा एवं पारमार्थिक, डी तार्किक एवं वास्तविक। दार्शनिक ए अरस्तु, सेकंड हेगेल, थर्ड शंकर, फोर्थ प्लेटो। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है फोर। ए का फोर, बी का वन, सी थ्री एंड फोर, डी का टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 27। प्रत्यक्षीकरण के दायरे से परे निम्नांकित में से कौन सा अभिज्ञात आता है? निम्नलिखित में से सही बताएं। अनुमिति, सेकंड उपमिति, थर्ड निर्विकल्पक प्रत्यक्ष, फोर सविकल्पक प्रत्यक्ष। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है थ्री, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, सुनहला पर्वत अग्निमय है क्योंकि यह ध्रुमवान है। इस अनुमान से कौन सा हेत्वाभास है? ए आश्रय सिद्धि, सेकंड स्वरूपा सिद्धि, थर्ड व्याप्यत्व सिद्धि, चार सव्य विचार। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 29। किसी तर्क वाक्य जिसमें विशेष विधेयात्मकता होती है, वह है एक उद्देश्य पद वितरित होता है परंतु विधेय वितरित नहीं होता है। सेकंड उद्देश्य और विधेय में कोई भी वितरित नहीं होता है। थर्ड उद्देश्य और विधेय दोनों वितरित होते हैं। फोर उद्देश्य वितरित नहीं होता है परंतु विधेय वितरित होते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 30। सूची एक को सूची दो से मिलान। सूची एक में अवधारणा है, सूची दो में संप्रदाय है। ए अभाव, बी अनुपलब्धि, सी अपोह, डी स्वायवाद। प्रदत्त, फर्स्ट संप्रदाय, फर्स्ट जैन, सेकंड बौद्ध, थर्ड वेदांत, फोर्थ न्याय। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है थ्री, वन का फोर, बी थ्री, सी टू एंड डी वन। क्वेश्चन नंबर 31-35 इस टेबल पर बेस्ड है, आप इस टेबल को ज़रूर देख लीजिएगा।
फ्रेंड्स मैं यहाँ पे इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो को एक सेकंड के लिए हर क्वेश्चन पर रोक रही हूँ, जिससे आप इंग्लिश के जो इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वो भी इसको अच्छी तरह से देख लें। आंसर मैं हिंदी के क्वेश्चंस के साथ बताऊँगी। ये हिंदी मीडियम के लिए टेबल है फ्रेंड्स, इसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब मैं इसके आधार पर आपको इनके आंसर बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 है, सभी 7 विद्यार्थियों द्वारा भौतिकी में प्राप्त किए गए औसत अंक क्या हैं? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर है 2। 32 का राइट आंसर है 3। 33 का राइट आंसर है 4। 34 का राइट आंसर है 1। 35 का राइट आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 36। ISP संक्षिप्त पद का पूरा रूप क्या है? एक हर क्वेश्चन पेपर में एक ना एक ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है जिसका फुल फॉर्म पूछा जाता है हर पेपर में। ये एक नंबर तो पक्का कर लीजिए आप इस सबके फुल फॉर्म जान करके। ICS का ISP का फुल फॉर्म है फर्स्ट इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर, सेकंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, थर्ड इंटरनेट सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर, फोर्थ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्रोडक्ट। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर है 2, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं फ्रेंड्स। वेब पेज एड्रेस के लिए नाम क्या है? फर्स्ट डायरेक्टरी, सेकंड फोल्डर, थर्ड डोमेन, फोर्थ URL। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर है फ्रेंड्स 4, URL। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को आर कहा गया है। तर्क। अभिकथन ए, इंटरनेट पर डाटा प्रयोक्ता की निजता और सुरक्षा दांव पर होती है। तर्क, प्रयोक्ता द्वारा डाटा की सुरक्षा और निजता हेतु कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर है फ्रेंड्स फर्स्ट, ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? फर्स्ट कंपाइलर, सेकंड ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फोर्थ एडिटर। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 39 में आयोग ने थर्ड और फोर्थ दोनों को राइट आंसर, जिन्होंने दो इन दोनों में आंसर लगाया था उनको मार्क्स दिए हैं, इन दोनों को ही राइट आंसर माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धि के डोमेन से बाहर है? फर्स्ट कंप्यूटर विजन, सेकंड मशीन लर्निंग, थ्री डीप लर्निंग, फोर टेक्स्ट। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर है 4, टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सहशाब्दी विकास लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? ए अत्यंतिक निर्धनता और भूख का उन्मूलन करना, बी मातृ स्वास्थ्य में सुधार लाना, सी जलवायु परिवर्तन संबंधी समाधान करना, डी लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, ई सभी के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर है 4, ए बी एंड डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों की दहन ऊष्मा के संदर्भ में उनके सही आरोही क्रम की पहचान कीजिए। ए मीथेन, बी प्राकृतिक वसा और तेल, सी शुष्क कास्ट, डी हरित कास्ट। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर है 2, डी सी बी ए जस्ट अपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन ए और कथन बी आर। अभी कथन ए, जैविक ऑक्सीजन मांग BOD की काफ़ी उच्च मूल्य वाली प्रदूषण शित नदियों से दुर्गंध आती है। तर्क, एनरोबिक बैक्टीरिया सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड पैदा करते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर है 3, ए सही है किंतु आर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44। अधिक खतरनाक अपशिष्ट में शामिल हो सकते हैं ए पैंथोजेंस, बी रेडियोएक्टिव अपशिष्ट, सी अप्रतिक्रियात्मक पदार्थ, डी संक्षारक पदार्थ। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर है 1, केवल ए बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से किस प्राथमिक प्रदूषण के मामले में वैश्विक उत्सर्जन प्रति वर्ष मिलियन टन के संदर्भ में प्राकृतिक स्रोतों की तुलना में मानव के क्रिया का योगदान अधिक है। 1, सल्फर डाइऑक्साइड, 2, नाइट्रिक ऑक्साइड, 3, मीथेन, 4, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर है फ्रेंड्स 1, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में वर्ष 1962 में पत्राचार पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई थी। 1, मद्रास विश्वविद्यालय, 2, बम्बई विश्वविद्यालय, 3, कलकत्ता विश्वविद्यालय, 4, दिल्ली विश्वविद्यालय। सही फ्रेंड्स, यहाँ से हायर एजुकेशन के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। फ्रेंड्स 46 का राइट आंसर है 4, दिल्ली विश्वविद्यालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47। यूरोप के सामंती समाज के में उच्च स्तर पर उत्तरवादी शिक्षा के निम्नलिखित में से किन ज्ञान क्षेत्रों को ट्रिवियम के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। 1, ए ज्यामितीय, बी खगोल विद्या, सी व्याकरण, डी तर्क, ई अलंकार शास्त्र। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर है 3, सी डी एंड ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से किस श्रेणी में महाविद्यालयों का प्राथमिक उद्देश्य व्यापक पैमाने पर कार्य हेतु तैयार जनशक्ति का निर्माण करना होता है। 1, स्वायत्त महाविद्यालय, 2, समुदाय महाविद्यालय, 3, कृषि महाविद्यालय, 4, तकनीकी महाविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर 2 है, सामुदायिक महाविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किस औद्योगिकी के माध्यम से समकालिक संप्रेषण घटित होता है। ए वीडियो चैट, बी आभासी कक्षा, 3, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डी विकीज, ई इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर है 1, ए बी एंड
सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 50। ये टेबल दी गई है फ्रेंड्स, मैंने इसको जूम कर दिया, आप देख लीजिएगा। ये टेबल दी हुई है, इसी पे आधारित क्वेश्चन का आंसर है। फर्स्ट ए, फर्स्ट सूची में दिया गया है ए व्यक्तिगत स्तर, बी व्यवसायिक स्तर, सी संस्थागत स्तर, डी सामाजिक स्तर। फर्स्ट, उच्च शिक्षा प्रणाली में लोकतांत्रिक कार्यकारण और प्रत्येक सक्षम व्यक्ति की क्षमता में विश्वास करना। सेकंड, हमारे द्वारा अपने लिए अपनाए जाने वाले और विकसित किए जाने वाले व्यवहार और नैतिकता का स्तर। थर्ड, उच्च शिक्षा के परिचालन को प्रभावित और सुकर बनाने वाले मूल्य। फोर्थ, उच्च शिक्षा संस्थाओं की अवधारणा में व्यक्तिगत और व्यवसायिक मूल्यों का को व्यवहार में लाना। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर 2 है। ए का 2, बी 1, सी 4 एंड डी 3। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसका ये जो PDF है, मैं आपको अपने एग्ज़ाम कॉर्निंग टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, आप वहां से इस PDF को ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियोज़ की अपडेट टाइमली मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।